कश्मीर घाटी में लगातार चार दिनों से हो रही बारिश से आई बाढ़ और दो मकानों के ढहने से 16 लोग जिंदा दफन हो गए, जबकि एक व्यक्ति बह गया। झेलम नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से चिंतित हजारों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। उधर राहत और बचाव कार्य जारी है ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा सके। भूस्खलन की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से करीब 2000 लोग फंसे हुए हैं। पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश की वजह से झेलम नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्र ने तुरंत प्रधानमंत्री राहत कोष से 200 करोड़ जारी किए हैं और जम्मू कश्मीर सरकार ने 35 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। बचाव कार्य के लिए NDRF की 8 टीम घाटी भेजी गई है और सेना को सतर्क कर दिया गया है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।